दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। इस वारदात में घायल हुए जवान खुर्शीद अहमद की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। हमले के बाद आतंकी भाग निकले, पुलिस आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हैदराबाद पुलिस ने बंद हो चुके 3,48,00,000 रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। ये रकम 1,000 और 500 के पुराने नोटों में मिली है। इन नोटों के साथ पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी पुलिस को एक प्लॉट से 10,50,000 के पुराने नोट मिले हैं। कोलकाता में आयोजित हुई ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में 1,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पर्यटकों ने ड्रैगन डांस का लुत्फ भी उठाया। इस प्रतियोगिता का आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार और चीनी कॉन्सुलेट ने मिलकर किया था। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने बंधुआ मजदूरी के लिए तमिलनाडु ले जाए जा रहे 9 लोगों को छुड़ाया है। इन बंधुआ मजदूरों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी 9 लोगों को जशपुर के एक घर में 2 दिन से बंधक बनाकर रखा गया था। हरियाणा के करनाल में पोस्टिंग नहीं मिलने से नाराज जेबीटी टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर के बाहर धरना दिया और उनके घर को भी घेरने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठे टीचर्स को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड सरकार में काम कर रहे एससी और एसटी कर्मचारियों ने प्रमोशन में भी आरक्षण की मांग की है। इसके लिए सरकार के अलग अलग विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों ने एक बैठक की। बैठक के बाद एससी एसटी कर्मचारियों ने धमकी दी कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो वो आंदोलन करेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड के कई विधायक भी मौजूद थे। बिहार के वैशाली में एक गहरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। ये गड्ढा मनरेगा योजना के तहत तालाब बनाने के लिए खोदा जा रहा था। बताया जा रहा है कि डूबी बच्चियां गड्ढे में नहाने के लिए गई थी। गड्ढा इतना बड़ा था कि बच्चियों के शव को निकालने के लिए गोताखोरों की मदद लेनी पड़ी। कर्नाटक के गुलबर्गा में भारी बारिश से किसानों को राहत मिली है। बारिश से कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत कम हुई है, साथ ही तालाब भी लबालब भर गए हैं। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश जारी रही तो नदियां जल्द उफान पर आ सकती हैं। गर्मी की छुट्टियों में वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक देश भर से रोज करीब 50,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में अब तक 35,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु देवी दर्शन कर चुके हैं। हालांकि जम्मू का पारा 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। कोलकाता में आयोजित हुई ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में 1,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पर्यटकों ने ड्रैगन डांस का लुत्फ भी उठाया। इस प्रतियोगिता का आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार और चीनी कॉन्सुलेट ने मिलकर किया था।